दोस्तों इंटरनेट पर आजकल एक टूल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसका नाम है डीप नॉस्टैल्जिया। और इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने किसी भी फोटो को ना जिंदा कर सकते हैं। मतलब आपका फोटो एक तरह से एक वीडियो में कन्वर्ट हो जाता है और आपका जो फोटो होगा वो आंखें झपकाएगा, स्माइल करेगा, इधर उधर देखेगा, फेस एक्सप्रेशंस देगा। तो इस टूल को ना बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी मदद से अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं। अब कुछ लोगों को ये चीज़ अच्छी लग रही है, कुछ को डरावनी लग रही है। और बाकी ये टूल क्या है, कैसे काम करता है, इस बारे में थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियोज़ फ्यूचर में भी इंजॉय करने के लिए। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। नॉस्टैल्जिया ये एक AI बेस्ड टूल है, जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, अपना कोई भी फोटो आपको अपलोड करना है इस टूल में। ये बेसिकली एक ऑनलाइन टूल है, वेबसाइट के थ्रू आप इसको चला सकते हो, वहां पे आपको साइन अप करना होता है एंड आप अपना कोई भी फोटो इसके अंदर डाल दो। उसके बाद में वो आपके फोटो को एनालाइज करता है, देखता है इसमें किस तरह के मूवमेंट कराए जा सकते हैं, और वहां पे फिर वो आपके फोटो को एक GIF आप कह सकते हो या फिर एक छोटी सी 5-7 सेकंड की वीडियो आप उसको कह सकते हो, तो वहां पे वो वीडियो में कन्वर्ट कर देता है। एंड वो जो वीडियो आपकी बनती है उसमें आपका जो फोटो था वो मूवमेंट करने लगता है। जैसा मैंने आपको बताया, पलके झपकाएगा, स्माइल करेगा, इधर उधर देखेगा। तो ये सारी चीजें आप एक फोटो से करवा सकते हो। अब इस चीज को काफी ज्यादा लोग कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल करके लोगों ने जो भगत सिंह है उनकी फोटो बनाई है कि लोगों ने भगत सिंह को, मतलब आज की जो जनरेशन है उन्होंने तो भगत सिंह को कभी नहीं देखा कि वो कैसे दिखते थे, किस तरह के मूवमेंट्स करते थे, स्माइल करते हुए कैसे लगते थे, पलके किस तरह से झपकाते थे, या फिर हमारे जो प्रेसिडेंट थे US के अब्राहम लिंकन, उनको लोगों ने नहीं देखा। तो लोगों ने इनकी फोटोज बनाई है एंड काफी अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। मैंने वो वीडियोज डाउनलोड किए हुए आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, वो आप देख सकते हो किस तरह की चीजें हैं और कितना अच्छा ये टूल काम करता है। तो ना काफी अच्छा टूल है एंड टेक्नोलॉजी में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं, उसका एक जीता जागता काफी अच्छा उदाहरण ये डीप नॉस्टैल्जिया टूल है। अब देखो बात कर लेते हैं ये टूल दरअसल काम कैसे करता है। तो देखो भाई, AI या फिर मशीन लर्निंग आप कह लो, तो कंप्यूटर को ना काफी सारी चीजें सिखाई जाती हैं। अब लाखों करोड़ों लोगों के फेस एक्सप्रेशंस, कैसे वो पलके झपकाते हैं, कैसे वो इधर उधर देखते हैं, उनके आईब्रोज किस तरह से मूवमेंट करते हैं, उनके चिक्स किस तरह से मूवमेंट करते हैं, कैसे उनके लिप्स मूवमेंट करते हैं, ये सारी चीजें जो होती है कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम की जाती हैं। मतलब कुछ डिवाइसेस होते हैं, आप उनको लगा सकते हो फेस पे, जैसे आपने फिल्मों में देखा हो, हॉलीवुड फिल्मों में काफी सारी चीजें होती हैं, तो वो मूवमेंट को रिकॉर्ड कर लेता है। एंड काफी ज्यादा लोगों का मूवमेंट रिकॉर्ड करने के बाद में कंप्यूटर एक एवरेज लगा सकता है अपने हिसाब से कि हाँ मुझे चीजें सिखाई गई हैं, तो लोग किस तरह से तो हंसते हैं, किस तरह से आंखें बंद करते हैं, खोलते हैं, आंखों को बड़ी करते हैं, या और बाकी एक्सप्रेशंस कैसे देते हैं जब वो लेफ्ट देखते हैं, जब वो राइट देखते हैं, तो कंप्यूटर को ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। एक बार कंप्यूटर सीख गया तो वो अपने एल्गोरिदम की मदद से किसी भी आपके फोटो को इस तरह की चीज़ें करवा सकता है, वहाँ पर आर्टिफिशियल चीज़ों को वो जनरेट कर सकता है। और मेरे पास में एक फ़ोटो है जो अक्सर मैं अपने थंबनेल पे लगाता हूँ, आप लोगों ने वो फ़ोटो कई बार देखी भी होगी। तो मैंने उस फोटो को इसी टूल के अंदर डाला और उसके बाद में मुझे पता है कि मैं कैसे हंसता हूँ, कैसे मूवमेंट करता हूँ, किस तरह से पलके झपकाता हूँ, लेकिन इस टूल को नहीं पता। लेकिन इसको ये पता है कि लोग किस तरह से करते हैं। तो उसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए इस टूल ने मेरे फोटो को पहले तो क्रॉप कर लिया कि मेरा फेस जो है वो क्लियर दिखे और उस पर वो एक्सप्रेशन डाल सके, और उसके बाद में सारी चीज़ों को एनालाइज किया एंड मेरे फोटो पर थोड़ा सा काम किया इसने। एंड उसके बाद में ना उसको एक मूवी की टाइप का बना दिया, मतलब लगभग 10 सेकंड की वो मेरे ख्याल से वीडियो है, और वो वीडियो आप देख सकते हो किस तरह से मैं मूवमेंट करता हूँ। तो आप देख सकते हो इस तरह के कुछ मूवमेंट्स होते हैं, मैं इस तरह से स्माइल करता हूँ, पलके झपकाता हूँ, इधर उधर देखता हूँ। वैसे देखा जाए तो इसमें ना थोड़ा सा अजीब मैं अभी के टाइम पर लग रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं, मतलब एग्जैक्टली आप लोगों ने मुझे कितनी बार वीडियोस में देखा होगा ऐसा मैं नहीं दिखता हूँ, क्योंकि ये पुरानी फोटो नहीं है, नई ही एक फोटो है मेरी, अभी 2-4 महीने पहले की रही होगी, और आप लोगों ने मुझे कितने बार देखा होगा, तो बिल्कुल ऐसा तो नहीं है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हाँ 80-85% या 90% तक जो इसने चीज़ें दिखाई हैं वो बिल्कुल सही है। और ये टूल ना मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करता है। अगर आपके घर में ऐसे लोग हैं जो आपके परिवार का कभी हिस्सा रह चुके हों, आपने उन्हें कभी जिंदा नहीं देखा है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर कोई भी और लोग हो सकते हैं या फिर उनसे एक जनरेशन पुराने लोग भी हो सकते हैं जिनके आपके पास में फ़ोटो हो, तो आपको सिंपली एक फ़ोटो कैप्चर करनी है अपने मोबाइल से, कैमरा से, जिससे भी आप करना चाहें, एंड उसको आप डाल सकते हैं डीप नॉस्टैल्जिया में। और यहाँ जा करके आप
एक थोड़ा सा समय जी सकते हैं जहां पे आप अपने उन लोगों को जीवित देख सकते हैं। और इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फोटोज़ बनाई हैं, जैसा मैंने आपको बताया भगत सिंह का या फिर इब्राहिम लिंकन, तो इनके फोटोज़ बनाए लोगों ने, और भी काफ़ी सारे लोगों के फोटोज़ बनाए हैं। एंड ट्विटर पे लोग ऐसी बहुत ज़्यादा फोटोज़ शेयर कर रहे हैं, बाकी और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर रहे हैं, एंड हो सकता है आप लोगों ने देखा हो। बाकी लिंक मैं इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जा करके भी अपनी फोटो के साथ में या फिर अपने परिजनों की फोटो के साथ में इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। अब कुछ लोग ना इस चीज़ से डर भी रहे हैं कि देखो अभी टेक्नोलॉजी की मदद से हम ऐसी चीज़ें कर पा रहे हैं जो अब से पहले मुमकिन नहीं थी, तो हो सकता है कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करें। वैसे कंपनी का कहना है कि हमारा कोई गलत इरादा नहीं है, एंड यहाँ पे जो वीडियो बनती है उसके अंदर हम कोई आवाज़ नहीं डालते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कोई इंसान किस तरह की आवाज़ें करेगा या किस तरह के एक्सप्रेशंस के साथ में किस तरह की आवाज़ें निकालता है। एंड आवाज़ों को लेकर के ना और भी काफ़ी सारे इशू हो सकते हैं जैसा उन लोगों ने बताया है। तो फिलहाल इस टूल के अंदर आवाज़ नहीं है, आप सिर्फ वीडियो ही वहाँ पर एंजॉय कर पाओगे। एंड कुछ लोगों ने क्या किया है, जो हमारे विलन्स होते थे, मान लो हिटलर हो गया या फिर कोई इंसान हो गया जो मर चुका है, उनको लोगों ने जिंदा कर दिया है जो अच्छे इंसान नहीं थे, एंड उनके जो वीडियो बन के आए सामने उनको सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया। तो कुछ लोगों को ये चीज़ डरावनी भी लगती है कि हाँ भाई ये तो बड़े बुरे इंसान थे। अब मान लो ओसामा बिन लादेन की कोई लाइव फोटो आ जाए तो आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा अरे ये तो आतंकवादी था जिंदा हो गया, या फिर हिटलर वापस आ जाए, तो ऐसी चीज़ों को सोच करके कुछ लोगों को डर भी लग रहा है। एंड मेरा पर्सनल थॉट तो ये है कि ये सिर्फ एक थिंकिंग है डरने वाली, ऐसा कुछ रियल में नहीं होने वाला। एंड ये सिर्फ एक टूल है जो आपके अच्छे के लिए बनाया गया है। कभी भी कोई भी चीज़ बनाई जाती है इस तरह की पब्लिकली तो वो बुरी इरादे से नहीं बनाई जाती, और उसकी परमिशन भी कभी नहीं मिलेगी अगर वो बुरे इरादे के लिए बनाई गई है। तो आप अच्छी चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्री में आप साइन अप कर सकते हैं, हो सकता है इनकी कोई लिमिट हो, आप एक या दो बार फ्री में यूज़ कर सकते हैं, आप मल्टीपल अकाउंट्स बनाओ, मल्टीपल टाइम्स आप इसको यूज़ कर पाओगे। बाय द वे मेरी तरफ से इस टेक्नोलॉजी को थम्स अप है, मुझे इस तरह की टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, एंड ये तो पर्सनली मुझे पसंद आई तभी मैं वीडियो बनाकर आपके साथ में शेयर भी कर रहा हूँ। तो यही था डीप नॉस्टैल्जिया AI टूल, जिसकी मदद से आप अपने कुछ बुजुर्ग लोगों के साथ में या उन लोगों के साथ में जो आपके साथ मौजूद नहीं है कुछ लम्हे जी सकते हैं। एंड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसा मैंने बताया मेंशन कर दिया, आप जाकर के ट्राई कर सकते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा, ये टूल कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में ताकि वो लोग भी इसके बारे में जान पाएं, इसका फ़ायदा उठा पाएं। और बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, एंड आप मेरे उस वीडियो को एंजॉय कर पाएं। मैं आपसे मिलता हूँ आने वाले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए Goodbye.